हाँ तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, खम्मा गणी टू ऑल। और अब अपन रेडी हो चुके हैं और ये देखो कुछ इस तरह का अपना पहाड़ का व्यू था चारों तरफ। ये पहाड़ के ऊपर जो है घर वगैरह बने हुए हैं, स्तूप टाइप में भी कुछ बने हुए हैं। और आज चलना है ले अपने को, जो यहाँ से 124 किलोमीटर रह जाता है। तो चलते हैं आगे। बताइए बताइए, फन है, एक नंबर फन है यार। आ रहा है मजा, बहुत मजा आ रहा है। देखो ना यार, ये मजा ही तो है, सुकून है, ये शांति है, मजा है। और हवा और तो देख ही पा रहे हो, सब कुछ है ये। जिंदगी है ये मित्र, जीवन है ये। निकलते हैं इसको बाय बाय बोल के। चलिए निकलते हैं, बाय। और काफ़ी अच्छी फैमिली थी, होम स्टे था यार, ये लोग भी यहीं रहते हैं लोकल। तो अच्छा सा खाना खिलाया, लेट हो गए थे हम लोग, फिर भी खाना बनाया हमारे लिए और खाना खिलाया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। अब ये देखो सामने, अब ये लाल कलर का पत्थर आ गया। हर सेकंड में ना चेंज है, बिल्कुल हर सेकंड में चेंज है। ये ऊपर के है मिट्टी जैसे, नीचे काले हैं। और ये देखो भाई लोग शूटिंग कर रहे हैं दबा के, ये ट्रक वाले भाई में ले रहे हैं मजे। और यार ये कर्व बड़े मस्त वाले हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान रख के चलना है, बट अच्छे लग रहे हैं कर्व। वो पीछे बोर्ड आया था ना, फील द कर्व डोंट हग देम, तो वो वाली चीज़ है, फील कर लो बट चिपक मत जाना इनके। अब धीरे धीरे नीचे उतारेगा और बिल्कुल प्लेन रोड स्पीड। कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल हटता नहीं। कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल क्यों हटता नहीं। और नीचे अपने रिवर फ्लो कर रही है, काफी बड़ी रिवर है, फ्लो भी काफी अच्छा आ रहा है उसका। और एकदम ब्लू वाटर जिसको बोलेंगे ना, प्योर ब्लू। हो सकता है सामने आपको दिख जाए, अभी दिखाते हैं आपको ना। ये देख रहे हो, अपने इधर से ये आ रही है और इधर जा रही है। और पानी देखो एकदम ब्लू है, दिख पा रही हो तो। और इस रिवर का नाम है इंडस रिवर, जो कि सीधा पाकिस्तान में जाती है। फिर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी।
बातें कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है यार, ये इतनी प्यारी जगह पे आके बैठे हैं ना अभी इस टाइम पे, मतलब एक घंटा हो गया है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। कसम से बड़ी प्यारी जगह है यार। और इस साइड में पूरे देखो माउंटेन जो है पत्थर वाले, इधर मिट्टी वाले, पीछे अलग है, पूरा डिफरेंट टेरेन आ गया। और पूरा प्लेन है, दूर दूर तक दिख रहा होगा प्लेन है। तो अभी यार काफी टाइम हो गया था इधर से, तो अब निकलते हैं। और ये अपनी जान खड़ी है ब्लैक हॉर्स। टाइम काफी हो गया है और अब ले यहाँ से ज्यादा नहीं है, 44 किलोमीटर बचा है, तो चलते हैं। अब निकलते हैं यार इस जगह से। कम से कम डेढ़ घंटा यार रुक चुके होंगे और जगह काफ़ी प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है यार। तो यार इधर एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के लिए चल रहे हैं। द हाईएस्ट न्यू बुद्धा स्टैचू ऑफ 85 फीट। गांव भी यार ये तो काफ़ी छोटा सा ही है। और इधर पक्के कुछ ही मकान है, जो पुराने हैं वो कच्चे मकान है। देखो लगता है ये अभी नई नई बनी हुई है, इस वजह से देखो काम ही चल रहा है इसकी, सड़क का या गेट बना हुआ है। आई थिंक दूसरा रास्ता भी आ रहा होगा इधर से ना। देखते हैं यार इधर की साइड में ये क्या मोनेस्ट्री। तो अभी एक आंटी से पूछा था, उन्होंने बताया आई थिंक, मुझे लग रहा है पहाड़ की पीछे की साइड में, उस साइड में जिस साइड अपन रास्ता चले गए थे, आगे बढ़िया सड़क बनी हुई थी ना, उस सड़क पे ऊपर चलना है, कम से कम 5-7 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। पर वो पुराना वाला है, वो पुरानी मोनेस्ट्री है, पुराना रास्ता है। कोई नहीं, चलो ऊपर चलते हैं, चल के आते हैं मोनेस्ट्री पे। यार 85 फीट का स्टैचू है तो काफ़ी बड़ा ही होगा, अच्छा ही लगेगा। ये था पुराना और अपन गए थे इससे ऊपर, यही रास्ता है, कम से कम 5-6 किलोमीटर आगे जाके है। आई थिंक पहाड़ के पीछे की साइड में ही है वो। चलो चलते हैं, दिखाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़नी है, सब दिखाना है आप लोगों को। वो रही ना मूर्ति ऊपर, ये आ गई मोनेस्ट्री। ये भी अच्छी जगह है, ठंड भी होने लगी है। बुद्धा जी यहाँ पे आ गए थे यार, रास्ते में चलते चलते बोर्ड दिखा एक, तो उस पर लिखा हुआ था न्यू हाईएस्ट 85 बुद्धा स्टैचू, तो इसलिए इधर आ गए थे। तो यार अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलते हैं। आ गए हैं गांव की गलियों में बुद्धा जी का स्टैचू देख के, और काफ़ी अच्छा लगा। और गांव भी काफ़ी मस्त वाला था, साफ सुथरा, बढ़िया चमचमाता, जैसे बुद्धा जी की मूर्ति चमचमा रही थी, गांव भी वैसे ही चमचमा रहा था। तो ठीक है, अब यार अब चलते हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन बैक टूवर्ड्स ले के लिए। और फिलहाल अभी घंटा भर लगेगा ले पहुंचने में भी, क्योंकि ये जो बुद्धा स्टैचू था कम से कम अराउंड 7-8 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर था अंदर। तो वहाँ से आ गए वापस, अब चलते हैं। लास्ट पल है सूरज के और धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा। जितनी तारीफ करते जाओ यार उतनी कम है। मैग्नेटिक हिल की बात करते थे, वही आ गए। और पूरा लंबा चौड़ा खुला इलाका है यार दोनों साइडों में। और इधर हवा जो चल रही है कसम से भयंकर वाली। सामने का व्यू आई होप बढ़िया ही आ रहा होगा, मज़ा आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना यार। सामने पूरी ले सिटी आ गई। अभी यार इधर फर्स्ट टाइम है तो कोई आइडिया है नहीं,
होटल्स या फिर होम स्टे का देखेंगे, चलेंगे जब भी पता लगेगा। रूम में मिलते हैं फिर चल के सीधा, देखते हैं होटल वोटल पहले चल के, फिर मिलेंगे सीधा रूम में। जी तो पहुंच गए ले और फाइनली होटल के अंदर आ गए। अपना सामान वगैरह देख रहे हो, रख ही दिया है सारा, और जैकेट्स वगैरह हैंगर में टांग दिए। हम आप कर रहे हैं खुशी के मारे कि हम ले पहुंच गए। दोनों भाई अपनी प्यार को प्रकट कर रहे हैं आपस में, ले पहुंचने के खुशी में। और यार बहुत शानदार सफर रहा, मजेदार, बवाल उठा दिया। कैसे कैसे नजारे दिखे, बहुत शानदार। अभी तक एक नंबर, अभी तक दिल में हलचल है, अभी तक बली बली हो गया है दिल। वो मेरा तो ना धड़क धड़क करता है दिल। चलो तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।